भारत शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर शामली में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपाइयों ने एकत्र होकर तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा सुरेश राणा के फार्म हाउस से शुरू होकर क्षेत्र के एक दर्जन से ज्यादा गांव में होती हुई नगर पालिका थाना भवन पर समाप्त हुई। यात्रा को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि तिरंगा हमारी जान है, शान है और हमारा अभिमान है। वो अभिनंदन करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देशवासियों को ये अभियान दिया है। आज पूरे देश में जगह जगह बड़ी बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के नौजवान, किसान और युवा शामिल हुए। यात्रा को लेकर सभी में जोश है, जुनून है, उत्साह है और ये एक बहुत शानदार कार्यक्रम है। ये राष्ट्रवाद को प्रखर, राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला कार्यक्रम है। राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के भाव के लिए तिरंगा यात्रा अपने आप में बहुत मजबूती प्रदान करती है। तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा अभिमान है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, के जिन्होंने ये अभियान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार तिरंगा यात्रा का जगह जगह एक बड़ी मात्रा में आयोजन किया है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हजारों की संख्या में नौजवान, किसान, तमाम वर्गों के लोग आज भारत माता की जय का नारा बोलते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जोश है, जुनून है, उत्साह है और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। ये मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रवाद को प्रखर, राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला कार्यक्रम है और यदि सबसे बड़ा कोई वाद है तो वो राष्ट्रवाद है। और इसलिए राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र भाव के लिए ये तिरंगा यात्रा अपने आप में बहुत मजबूती प्रदान करती है और हम सब के अंदर जो एकात्मता का भाव है उसको भी जागृत करती है। इसलिए बहुत ये विशाल तिरंगा यात्रा में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।